हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा HPLT कमीशन है वो कभी भी आ सकता है, तो जब वो आएगा तब आएगा, लेकिन हमें तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी। अगर हमारी तैयारी पहले से अच्छी होगी तो हमारा कमीशन जल्दी से पास हो सकता है। तो इसी को देखते हुए हमने तैयारी जो है तो स्टार्ट कर दी है। ये हमारी दूसरी वीडियो है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, हमने कल क्वेश्चन किए थे 30 तक, आज हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 31 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है। और देखिए स्टूडेंट्स, आप भी अपना यहाँ पर टेस्ट लगाते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो देखिए, क्वेश्चन है विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और हमें सही आंसर पर टिक करना है। तो देखिए, ऑप्शन है यहाँ पर अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट या फिर मगही। तो देखिए, विद्यापति ने जो कीर्ति लता की रचना है वो किस भाषा में की है, तो वो की है अवहट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा जानकारी है, तो आप उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जैसे ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है तो ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कबीरदास, स्वयंभू, सरहपा या फिर जायसी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, स्वयंभू। नेक्स्ट है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो देखिए, किससे मानी है रासो शब्द की उत्पत्ति, तो रासक से इन्होंने मानी है। नेक्स्ट है, किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, परमाल रासो, विसलदेव रासो, हमीर रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गान ओ दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सिद्धों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है। तो देखिए, किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत को। नेक्स्ट है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है। तो देखिए, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, धनपाल जी। नेक्स्ट है, संदेश रासक की रचना विधा क्या है। तो देखिए, इसकी जो रचना विधा है वो है ऑप्शन नंबर सी, खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से होती है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, उपदेश रसायन रास से। नेक्स्ट है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनिदत्त और अद्वय वज्र के नाम से। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वी राज रासो के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड हैं। तो देखिए, 69 यहाँ पर जो है तो समय या खंड दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंदबरदाई किस राजा के आश्रित थे। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्यकार है चंदबरदाई, वो थे पृथ्वीराज चौहान के आश्रित। नेक्स्ट है, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है। तो देखिए, ये जो मिलती है परंपरा विसलदेव रासो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस संवाद के रूप में की है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, भृंग भृंगी संवाद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो आएगा सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। देखिए यहाँ पर जो ये गलत कथन दिया गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो सत्य नहीं है, तो ये वाला जो कथन है वो सत्य नहीं है और ऑप्शन नंबर ए बी और सी ये जो हैं तो सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, तो देखिए इसका सही आंसर आएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, तो रासो साहित्य का। नेक्स्ट है यहाँ पर कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, तो कौल ज्ञान निर्णय के जो रचनाकार हैं वो हैं मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्येंद्र नाथ के पूजा या उपासना का क्या नाम था, तो देखिए इसका जो सही नाम था वो था पिपलीश देव, पिपलीश देव। मत्स्येंद्र नाथ के पूजा या उपासना का क्या नाम था, तो पिपलीश देव। नेक्स्ट है देसिर बैना सब जन मिठा ते तैसन जपेयो अबहट्टा, ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं, तो देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती हैं। जो हमारा एच पी टैट होता है एलटी का, उसमें तो हर बार ये पूछी जाती है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जप्यों अब हट्टा, ये है विद्यापति की। नेक्स्ट है 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही ये बढ़ाव है, ये कथन किस विद्वान का है, तो देखिए ये जो कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि जो 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय है जिसे हिंदी का आदिकाल कहा जाता है, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही एक बढ़ाव है, और ये कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ग्रियसन और सिंह सेंगर। नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो देखिए जो राम कुमार वर्मा जी हैं उनके अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो देखिए इसका सही आंसर आएगा स्वयंभू जी। और बहुत सारे विद्वानों के अनुसार आदिकाल का जो प्रथम कवि है वो उनके अनुसार यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको ध्यान भी रखना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार यहाँ पर दिया गया है कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, इनकी जगह पर किसी और विद्वान का नाम भी हो सकता है, तो हमें ये चीज़ जो है तो बहुत ही नोट आउट रखनी है कि कौन सा नाम दिया गया है, किस विद्वान का नाम दिया गया है, किसके अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का जो प्रथम कवि है वो है स्वयंभू जी। नेक्स्ट है कवि सरहपा का समय राहुल सांकृत्याय ने क्या निश्चित किया है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही दिया है कि जो कवि सरहपा है, कवि सरहपा का समय राहुल सांकृत्याय ने क्या निश्चित किया है, तो यहाँ पर किसका नाम लिया है, राहुल सांकृत्याय ने क्या निश्चित किया है, तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 769 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वयंभू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है, तो कौन सा सिद्ध कवि है जिसकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, लुईपा। नेक्स्ट है नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर ए सरहपा, और ये जो पंक्तियाँ हैं ये पेपर में भी बार बार पूछी जाती हैं, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये जो पंक्तियां हैं ये हैं सरहपा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत कठिन है डगर पनघट की कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी, ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, तो देखिए ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये हैं अमीर खुसरो जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, दोहा।
तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।